नमस्कार, हाजिर हूं मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज, जहां आपको आज बताएंगे कि सिविल सर्जन की कुर्सी की लड़ाई कैसे चलती है। ये कुर्सी की लड़ाई है या जिम्मेदारी की लड़ाई? भैया सबसे पहली बात तो आपको हम ये बता दें कि ई है मध्य प्रदेश का सीधी जिला, और यहां पर सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिलेगी वो है जिम्मेदारी निभाने की दौड़। बहुत जबरदस्त यहां पर जिम्मेदारी निभाई जाती है, जहां की एक जिम्मेदारी लेने के लिए लगातार लड़ाइयां चलती हैं, और लड़ाई उस कदर चलती है कि हे भगवान, लगता है कि ताले पर ताले, ताले पर ताले, ताले पर ताले लग जाएंगे कार्यालय में। आपको बताते चलें कि लगातार देखा जा रहा है कि अभी सिविल सर्जन का झगड़ा हो रहा था डॉक्टर देवेंद्र सिंह और डॉक्टर एस बी खरे के बीच में, लेकिन वहीं जाते जाते देखा गया कि शोर शराबा जबरदस्त हुआ। सबसे बड़ी बात देखी गई कि गजब का डीजे सीजे बजा, कहां पर? जिला चिकित्सालय के सामने। कहा जाता है कि किसी के दिल में अगर जोर का धक्का लगे, अगर हार्ट अटैक का मरीज है तो शायद वो तो मर ही जाएगा डीजे साउंड के चलते, ना कि कुछ और के चलते। बल्कि आपको बता दें कि जो मामला देखा जा रहा है वो सीधी जिला का है। सीधी जिले में जैसे ही अगर कोई यहां से सिविल सर्जन जब सेवानिवृत्त होता है तो उस टाइम पर जबरदस्त डीजे साउंड बजता है। ये हम ना कह रहे हैं, ये देखिएगा पहले इस वीडियो में कि कैसा जबरदस्त जो है डीजे बज रहा है। डीजे बजने के बाद कुर्सी का खेला शुरू हो जाता है। भैया सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है इसमें कि जो इसमें जो देखा जा रहा है कुर्सी का खेला वो है दो तीन लोग के बीच में। पहले तो बात ये थी कि लगातार कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, कहां? सिविल सर्जन देवेंद्र सिंह के ऊपर, पहले यानी कि पूर्व सिविल सर्जन के ऊपर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ई था कहना किसका, आपको बता दें एसबी खरे का। अब वहीं आप देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कुर्सी का झगड़ा जारी है। इसके लिए जो है उच्च न्यायालय भी लोग पहुंच गए हैं। कौन? आपको बता दें सिविल सर्जन जो कि अभी प्रेजेंट में है प्रभार पर, कौन बता दें आपको कि यस बी खरे, डॉक्टर यस बी खरे सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी आपको बता दें कि कोई कोर्ट का आर्डर नहीं है, ये जिला कलेक्टर का आर्डर है। और सबसे बड़ी बात एक और आपको बताता चलूं इस पूरे मामले पर कि इसका झगड़ा भी खत्म ना हुआ है, क्योंकि शुक्रवार को आपको बता दूं कि बीते शुक्रवार को देखा गया कि एक सिविल सर्जन के कार्यालय पर ताला मार दिया गया। अच्छा, ताला कैसे मार दिया गया यह भी बड़ा सवाल उठता है। तो बताता चलूं कि इस पर डॉक्टर दीपा इसरानी मैडम को जो है पद प्रभार दे दिया गया था, किसके द्वारा, सवाल तो ही उठता है। सवाल का जो जवाब है बता दें आपको चलते चलते कि सबसे बड़ी बात ही देखी जा रही इस मामले पर कि सिविल सर्जन का जो झगड़ा था देवेंद्र सिंह के द्वारा दे दिया गया पद प्रभार किसको, दीपा इसरानी को। लेकिन वो 24 घंटा भी ना टिक सकी, इससे पहले ही शाम को जब वहां से जाती हैं तो कार्यालय में ताला मार जाती हैं। और कहे ना मार के जाएं, भैया ऑफिस तो उनका हो चुका था। लेकिन देखा ये जाता है कि अगले ही दिन देखा जाता है कि डॉक्टर एस बी खरे भी ताला उसी पे मार देते हैं। एक ही कार्यालय में दो दो ताला, भैया कैसे? लेकिन बात यह है कि इसकी लड़ाई जो चल रही, किस बात की? कुर्सियां की। तो आपको बताते चलें कि आज हम जो जिस भाषा में बात कर रहे हैं विंध्य प्रदेश की भाषा, और विंध्य प्रदेश की भाषा और खड़ी, या अगर दोनों की मैं बात करूं तो ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। ग्राउंड जीरो यानी कि 0 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, और इस 0 किलोमीटर के बीच में आपको मैं बता दूं कि अब तक जो पद प्रभार जो देखा जा रहा है तो डॉक्टर एस बी खरे ने सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त हो चुके हैं ऑटोमेटिक। सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि इस पर किसने प्रभार पर नियुक्त किया, किसके ऑर्डर के थ्रू, तो पहले ही बता दिया हूं कि माननीय कलेक्टर साकेत मालवीय के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि का ये किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, का ये डॉक्टर के पद के लिए लड़ रहे हैं, का ये जो है जिम्मेदारी निभाने के लिए लड़ रहे हैं? ना भैया ना, ये तो है देखिएगा सिविल सर्जन की कुर्सी, और सिविल सर्जन की कुर्सियां के लिए दो दो तीन तीन ताला, चाहे चाहे चार दस ताला इसमें लग जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में कौन बनेगा सिविल सर्जन, इसका एक युद्ध होता है। लगभग ये युद्ध जो है 4-6 महीने से चल रहा है, लेकिन इसका जो है जब तक इस पर देखा गया कि देवेंद्र सिंह डॉक्टर बैठे हुए थे सिविल सर्जन के पद पर, तब तक तो बोल के रखे हुए थे कि तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो डॉक्टर एस बी खरे, तुमको सिविल सर्जन का पद ना ही मिलेगा।
मिला। और सच में तो बात यही है कि नहीं ही मिला, बल्कि उनके जाने के बाद जब प्रभार में आई डॉक्टर दीपा इसरानी, इसके बाद अब प्रभार में आ चुके हैं डॉक्टर, सिविल सर्जन की बात करूं तो एसबी खरे। लेकिन अब बात यह है कि क्या जनता का इतना बड़ा दावा ट्रीटमेंट करने के लिए भगवान बैठे, जो ये डॉक्टर बैठे हैं जो भगवान की तरह ई सेवा करने के लिए आ रहे हैं या कुर्सी के लिए आ रहे हैं? अब क्या कहेंगे, जो भी कहिएगा आप कहिएगा। चलिए आपके लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।